सुजुकी एस्क्रॉस अनवील हो चुकी है और स्क्रीन पे आप जो इमेजेस देख रहे हुए हैं एस्क्रॉस 2022, और मुझे बहुत पसंद है इसकी आगे फ्रंट लुक जो है वो बहुत पसंद है। इसमें सिर्फ आपको क्रोम का वर्क मिलता था पहले, जो सब हटा दिया गया, सिर्फ एक क्रोम लाइन छोड़ी गई है। और इसको इसमें आपको LED फॉग लैंप मिलते हैं, DRLs मिलते हैं, DRLs पे एस्क्रॉस की बैजिंग मिलती है, अगेन प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इसमें, डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन है, और इसमें मुझे ब्लैक स्पोर्टी अलॉय व्हील्स भी दिख रहे हैं, और वो इंडिया आएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, बट डायमंड कट अलॉय व्हील्स तो ज़रूर आने वाले हैं एस्क्रॉस 2022 के साथ। और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताई जा रही है 22 सितंबर 2022, जो कि आपको अगर इस कार को खरीदना है तो आपको और 1.5 साल, तो मैंने जैसे कहा कि इसको अगर आपको खरीदना है तो 1.5 साल और आपको वेट करना होगा। इसकी जो बैक लुक है वो मुझे बिल्कुल बकवास लग रही है। मुझे एक तो इन्होंने ट्रांसपेरेंट लाइट दी, उसमें इन्होंने स्टाइलिश बनाने की कोशिश की बट वो फेल हो गए पूरी तरीके से। जो सिंपल और सोबर नाम की चीज़ होती है ना, वो एस्क्रॉस 2022 के बैक से मिट चुकी है यार। ये क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतनी लुक्स। और इंटीरियर की बात की जाए तो स्टेयरिंग व्हील आपको नया देना चाहिए था, बट इन्होंने ओल्ड वाला ही कंटिन्यू किया। और ये कार थोड़ी प्रीमियम फील हो रही है पहले से, ऑफकोर्सली यार 13 से 18 लाख तक की रेंज में आने वाली कार प्रीमियम तो फील होगी ही ना। डायमेंशंस की बात कर ली जाए तो व्हील बेस आपको इसमें मिलता है 2600 mm का, 48 वोल्ट HSV माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन विथ 127 bhp। और इसकी अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें सेफ्टी की कोई टेंशन ही नहीं है, 5-स्टार रेटेड कार है, और शायद मुझे लगता है कि मारुति की फर्स्ट कार है जो 5-स्टार रेटेड है। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।